हेलो बच्चों लेट्स सी एगेरोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स फाइंड इन ऑप्शन ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर एंड ऑप्शन डी पीसीआर तो फर्स्टली सी अबाउट द की कांसेप्ट ऑफ क्वेश्चन एंड हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एगेज जेल एगेरोज जेल देखो जो एगेरोज जेल है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड इसे सी समुद्री खरपतवार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका यूज किस में आता है तो देखो एगर जेल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस अंदर एगे जेल यूज किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मॉलिकुलर टेक्निक होती है इट इज अ मॉलिकुलर टेक्निक विच इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ठीक है डीएनए को उसके सेगमेंट या फ्रैगमेंट के बेसिस पे सेपरेशन किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ़ डीएनए फ्रैगमेंट ठीक है तो इसमें जो स्मॉलेस्ट होगा वो ज्यादा मूव करेगा और वो एनोड की ओर जाएगा क्योंकि जो डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज अगर हम बात करें पीसीआर इट मीन इज द पॉलिमरेज चेन रिएक्शन ओली मेज चेन रिएक्शन विच इज यूज फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए ये डीएनए को एम्पलीफाई करता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए और अगर हम बात करें अबाउट द स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री तो स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री इज ऑल्सो ए टेक्निक और ये यूज की जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई अनोन सब्सटेंसेस कोई सब्सटेंस अनोन है उसको फाइंड करने के लिए पैक्ट्रोफोटोमेट्री की जाती है नोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन सब्सटेंसेस एंड लाइट और मैटर के बीच में इंटरेक्शन को मेजर किया जाता है एंड स्टडी द इंटरेक्शन बिट्वीन लाइट एंड मैटर लाइट एंड मैटर नाउ सी देशन क्वेश्चन में बोला है कि सी वीट से जो एग्रोव मिलता है वो किसमें यूज आता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरिस में यूज आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री में नहीं आता पीसीआर में नहीं आता टिश्यू कल्चर में आप मीडिया प्रोवाइड कराते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक